अस्सलाम वालेकुम आज पेरेंट्स, आज हम स्लेव डायनेस्टी के तीसरे रूलर शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में स्टडी करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। एक बात मैं आप सबको बताता चलूं कि इंडो पाक हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और हिस्ट्री की स्टडी वैसे भी इंटरेस्टिंग होती है, और इसके बारे में चाहे आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री ना भी हो, लेकिन स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन इलाकों के जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, उनसे इंडो पाक हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, और ये हमारी कॉमन हिस्ट्री है। ये इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी और सब कॉन्टिनेंट के तमाम जो एस्पायरेंट्स हैं, जो जो भी अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये उनकी कॉमन हिस्ट्री है। और हम जब पाकिस्तान अफेयर में देखते हैं, नज़रिया पाकिस्तान की बात करते हैं, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की, तो फिर हमें एक सीक्वेंस हमारे माइंड में होना चाहिए टू हैव ए क्लेरिफिकेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी के 712 से लेकर फतेह सिंह से लेकर 1857 तक का सीक्वेंस कैसा है, और इसमें हम किसी भी सुल्तान को स्किप नहीं कर सकते, किसी भी रूलर को, किसी भी मुस्लिम रूलर को हम स्किप नहीं कर सकते। तो इससे पहले हमने स्लेव डायनेस्टी यानी दिल्ली सल्तनत के दो रूलर यानी कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद मुख्तसर टाइम के लिए आराम शाह की हुकूमत को डिस्कस किया था। आराम शाह का टाइम जो है कुछ महीनों पर मुश्तमिल था। उसके बाद चलें आपको बैकग्राउंड में हम बता दें कि आराम शाह जो है वो एफिशिएंट नहीं था, और उसके साथ फिर जो नोबल्स थे, नोबल्स से मुराद उस दौर की इस्टेब्लिशमेंट है, जैसे आजकल की ब्यूरोक्रेसी होती है उस तरह के, उस दौर की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नोबल्स कहलाते थे। ये इतने पावरफुल लोग होते थे, सम टाइम ये अपने जो किंग्स हैं, अपने रूलर्स को ये मरवा भी देते थे, ये उनको थ्रोन पे लेके भी आते थे, ये साजिशें भी करते थे, ये अपने किंग को कामयाब भी करते थे और उनको नाकाम भी बनाते रहते थे। उनकी जिंदगी और मौत के फैसले भी बाज़ औक़ात ये जो जिनको हमालाती साजिशें होती हैं उनके जरिए ये करते थे। तो नोबल्स ने इनवाइट किया कि आराम शाह जो है वो तो बिल्कुल ही इस काबिल नहीं है कि हुकूमत चला सके। तो यहाँ से 1211 में फिर इनके दरमियान लड़ाई हुई थी, और उस लड़ाई के बाद इल्तुतमिश ने टेक ओवर कर लिया, और आज हम स्टडी करेंगे इल्तुतमिश को। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है ये इनकी एक हिस्ट्री है कि इनके जो मालिक थे वो इनको गुलाम बना के ले गए। अच्छा, इसके बारे में हिस्ट्री ये है कि ये अच्छे खानदान से थे, बहुत हैंडसम थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, और इनको इनके भाइयों ने जो कि जेलस थे उन्होंने इसको बेच दिया, और इस लिहाज से इनको इनकी जो स्टोरी है कहा जाता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से काफ़ी हद तक मिलती है, क्योंकि ये खूबसूरत भी थे, इंटेलिजेंट भी थे, और जो भाइयों का फैक्टर है वो भी था। तो इस वजह से ये इनके बारे में मशहूर है। फिर इसके बाद जब ये इनके जो मालिक थे, जो जिसने इनको खरीदा था, वो इनको सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी, सुल्तान मोइज़ुद्दीन के पास ले गए। मोइज़ुद्दीन ने जो कीमत लगाई उसके ऊपर उनका मालिक राजी ना हुआ, और उन्हें ज़्यादा महंगे दाम मांगे, क्योंकि ये बहुत ब्राइट थे, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत एफिशिएंट किस्म के गुलाम लग रहे थे। तो इस पे सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ गजनी में इसको नहीं बेच सकते। उन्होंने इसकी सेल पे पाबंदी लगा दी कि इनको कोई भी नहीं खरीदेगा यहाँ गजनी में। फिर बाद में जाके कुतुबुद्दीन ऐबक जब गजनी गए, क्योंकि वो भी स्लेव थे और वो हुक्मरान थे दिल्ली के, तो वो जब गजनी गए और वहाँ पे उन्होंने जब देखा इस गुलाम को, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को, तो वो चूंकि मर्दम शनास थे, वो पहचान गए कि इसके अंदर खास टैलेंट है। तो उन्होंने शहाबुद्दीन गौरी से रिक्वेस्ट की, मोहम्मद आफ गौर से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे इजाज़त दें कि मैं इनको खरीद लूँ। तो मोइज़ुद्दीन यानी शहाबुद्दीन गौरी ने कहा कि चूंकि यहाँ तो मैं बैन कर चुका हूँ इनकी खरीदो फरोख्त, लिहाजा आप इनको दिल्ली ले जाएं और वहाँ पे जाके इनको खरीद लें। तो इस तरह उनको दिल्ली लेके फिर उन्होंने जाके खरीदा था। तो ये तो इनकी स्टोरी है, और ये ऐबक के गुलाम थे, ऐबक के फिर इन्होंने सर्विस की और इनको इनकी उन्होंने अपनी सलाहियतें दिखाई।
इनके बारे में एक और स्टोरी है कि इनके मालिक ने इनको अंगूर लाने के लिए भेजा, लेकिन अंगूर ये नहीं ला पाए, या इनके अंगूर इनको नहीं मिले, या इनके पैसे वहां से छिन गए। तो इनको किसी और बुजुर्ग ने इनको वो अंगूर लेके दिए, ताकि क्योंकि जो वो रो रहे थे कि अब मैं जब वापस जाऊंगा तो मेरा मालिक मुझे मारेगा, तो उन्होंने इसको अंगूर खरीद के दिए। तो उन्होंने कहा था कि चले मैं अंगूर आपको खरीद के दे रहा हूँ, आप अपने मालिक को दे दें, लेकिन इसके बदले में मैं आपसे ये प्रॉमिस लूंगा, आपसे एक कमिटमेंट लूंगा कि जब आप हुकूमत पे जाएंगे, और मुझे लगता है कि आप हुकूमत करेंगे, आप बहुत बड़े बादशाह बनेंगे, तो आपने अहले इलम लोगों की और जो स्पेशली दरवेश लोग होते हैं उनकी इज्जत करनी है। तो इनके बारे में मशहूर है कि इनको बहुत सारे बुजुर्गों ने जब देखा था तो उनके बारे में पेशगोई कर दी थी कि ये आगे जाके बहुत बड़ा हुक्मरान बनेगा, और ये बात उनकी सही ठीक हुई। फिर इनके बारे में एक और बात भी मशहूर है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे, वो उस दौर के बहुत बड़े वलीउल्लाह हो गुजरे हैं। तो उन्होंने शर्त रखी थी कि मेरी जो नमाज जनाजा है वो बंदा पढ़ाए जिसने सूरह, जिसने नमाज असर की जो सुनते हैं वो ना छोड़ी हुई हूँ, और किसी भी नमाज की तकबीर उला ना छोड़ी हुई हो। तो इस क्राइटेरिया पे यही पूरे उतरे थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और इन्होंने ये नमाज जनाजा पढ़ाई थी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनके नाम पे ही कुतुब मीनार जो है बनाया गया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश के दौर में इसको मुकम्मल किया गया। फिर इनकी एक टॉलरेंस के बारे में एक स्टोरी ये है कि इनके किसी नोबेल ने या किसी इनके एडवाइजर ने इनको मशवरा दिया कि अब आप पूरे बहुत ज्यादा रूल कर रहे हैं दिल्ली के ऊपर और इंडिया के ऊपर, तो आप एक हुक्मनामा के जरिए सख्ती कर दें कि तमाम लोग मुसलमान हो जाएं। तो उन्होंने कहा था कि ला इकराह फिद दीन, यानी दीन में कोई जबर नहीं, और मैं लोगों को बजोरे शमशीर मुसलमान नहीं करना चाहता। ये बात भी इनके बारे में कही जाती है। ये बात हम कर चुके हैं। अच्छा, ये फिर जब कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आए तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भी इन्होंने मुतासर किया। फिर बुलाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको अपनी बेटी इनके निकाह में दी, जिनका नाम था कुतब बेगम, और उन्हीं से रजिया सुल्तान पैदा हुई, जो कि आगे भी सुल्तान बनी। और इनके बारे में दूसरी बात यह है कि ही वॉज दी फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू गवर्न फ्राम दिल्ली, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना कैपिटल लाहौर को बनाया था। फिर ये जब आए आराम शाह के बाद तो उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया लाहौर से दिल्ली। तो इफेक्टिव दिल्ली सल्तनत इन्होंने कायम की, इनके बारे में आप ये कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने दिल्ली को ही कैपिटल बनाया था, और ये दिल्ली सल्तनत के वो पहले रूलर हैं जिन्होंने अपना जो कैपिटल है वो दिल्ली शिफ्ट किया। इनकी बारे में एक और बात मशहूर है कि उस वक्त के जो गौरी सुल्तान थे, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि आप मुझे अपनी फौज दें, क्योंकि खोखर जो हैं वो बहुत ज्यादा रेबल्स हो गए थे और रेबिलियन कर रहे थे। तो वहाँ पे एक जगह पे सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी, जो कि उस हमले में शरीक थे, उस जंग में शरीक थे, उन्होंने खुद अपनी आंखों से जब कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम की बहादुरी को देखा, उनकी शुजाअत को देखा, तो इतने मुतासर हुए कि उन्होंने पूछा कि ये जवान कौन है। तो उन्हें बताया गया कि ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक का वही गुलाम है। तो उन्होंने कहा कि इस कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि आप इसका ख्याल रखें, और उनको कहा जाता है कि पहले ही वहां से इनको गुलामी से आज़ादी का उन्हें हुक्मनामा जारी कर दिया था। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को ऑफिशियली आज़ाद करने से पहले इनको आज़ाद कर दिया गया था, लेकिन बहरहाल ये इतना इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। फिर सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, ये गवर्नर ऑफ ग्वालियर और बहरान भी रहे, ये बदायूं के गवर्नर थे 1206 में, और ये उसी पोस्ट पे काम कर रहे थे एज गवर्नर ऑफ बदायूं, जब ऐबक लाहौर में पोलो या चुगान खेलते हुए फौत हुए, तो उस टाइम ये ही वॉज गवर्नर ऑफ बदायूं। इन्होंने आराम शाह से 1211 में इकतदार लिया था, कन्फ्लिक्ट के बाद उनके साथ जंग की, ये लिया क्योंकि ये एक नेचर का प्रिंसिपल है कि जो कमज़ोर है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में वो पीछे रह जाता है, और कमज़ोर लोग जो हैं वो हुकूमतें नहीं चला सकते,
उसे सल्तनत को नुकसान होता है, तो हमेशा किसी ताकतवर, टैलेंटेड और कमांड रखने वाले बंदे को ही सुल्तान होना चाहिए या रूलर होना चाहिए। ये जब सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जो दौर है, ये बहुत ज़्यादा हंगामा आरई का दौर है, बहुत ज़्यादा बगावतों का दौर आप इसे कह सकते हैं। इन्होंने जो 25 साल रूल किया, 1211 से 1236 तक, 25 साल, ये बहुत ज़्यादा जंगी मुहिमात में शरीक रहे, और इन्होंने कहा जाता है कि बहुत कम सुकून से रहे, और ये कभी एक एक मुहिम से वापस आ रहे हैं, कभी दूसरी मुहिम पे जा रहे हैं। तो ये जब इन्होंने चार्ज लिया एज रूलर ऑफ दिल्ली, तो इनको ताजुद्दीन यजदीद का भी चैलेंज था, जो रूलर ऑफ गजनी थे, नसीरुद्दीन कबाचा थे, जो कि उच्च और मुल्तान के रूलर थे। कबाचा ने 1211 में जब देखा कि ये तो लड़ाई चल रही है आराम शाह और इल्तुतमिश की, तो उन्होंने लाहौर के ऊपर कब्जा कर लिया। इधर से खारजमी फौज ने यल्दीज को गजनी से मार भगाया, जिसने अपनी फौज लेके लाहौर पे लड़ाई कर दी। यहाँ से उसने जो जलालुद्दीन यल्दीज सॉरी ताजुद्दीन यल्दीज ने कबाचा को हरा दिया और लाहौर पे कब्जा कर लिया और पंजाब के दीगर एरियाज पे कब्जा कर लिया और कबाचा को यहाँ से भगा दिया। तो ये बात आपने याद रखनी है कि खारजमियों ने यल्दीज को गजनी से भगाया, यल्दीज आगे पंजाब की तरफ आया, लाहौर से कबाचा को भगा दिया और खुद लाहौर और दीगर पंजाब के साथ इलाकों पे कब्जा कर लिया। फिर एक जंग होती है ताजुद्दीन यल्दीज के साथ इल्तुतमिश की, जिस जंग में, जिसको बैटल ऑफ त्रैन भी कहते हैं, इससे पहले भी बैटल ऑफ त्रैन आपने पढ़ी होंगी, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की हुई थी। दो जंगें बड़ी मशहूर हैं, 1191 और 1192 की, हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये तीसरी जो जंग है, ये सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दीज के दरमियान हुई थी, और इस जंग में ताजुद्दीन यल्दीज मारा गया। और फिर बाद में कबाचा को भी शिकस्त दी आने वाले दौर में सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, और उन्होंने उसकी जो टेरिटरीज थी लाहौर, मुल्तान, उच इन पे भी कब्जा कर लिया। और ये कहा जाता है कि कबाचा ने बख्खर के करीब, शायद दरियाए सिंध में कूद के खुदकुशी कर ली थी, लेकिन बहरहाल इतना आप याद रख सकते हैं कि उन्होंने शिकस्त खा के ही कमिटेड सुइसाइड, इनके बारे में कहा जाता है 1228 में। और इस तरीके से शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने तमाम जो अपने इर्द गिर्द साजिशें थी, रेबिलियन थी, जो उनके खिलाफ बगावतें थी, उनको कुचलते गए, और उन्होंने अपनी जो पोजीशन थी दिल्ली सल्तनत की, उसको मजबूत किया, और इनको फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली कहा जाता है, क्योंकि कैलिफ ऑफ बगदाद ने इनको रिकग्नाइज किया, इनको टाइटल मिला, एंड ही इज द फॉर्मली फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। यहाँ से आप एक लिहाज से कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का आगाज जो है उनको बाकायदा इफेक्टिव तौर पर यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन बहरहाल दिल्ली सल्तनत को हम तारीखी किताबों में 1206 से ही स्टार्ट करेंगे, वहां से देखेंगे कि वहां से ही ये शुरू होती है। लेकिन पहले जो आजाद सुल्तान हैं, जिनको आजादी मिली, यानी ये अब मजीद किसी के वैसल स्टेट नहीं रहे, किसी के जेर असर नहीं रहे, ये ऐसा मुमकिन हुआ शमसुद्दीन इल्तुतमिश के दौर में। बहुत ग्लोरियस रूलर थे, इनकी बहुत ज्यादा क्वालिटीज हैं, ही वॉज मैन ऑफ मैनी क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट। इन्होंने मुल्तान को फतह किया, बंगाल को फतह किया, और अपनी सल्तनत को एक्सपेंड भी किया, उसको कंसोलिडेट भी किया। इसी तरह ये यल्दीज तो मारा गया, लेकिन इसके बारे में अब चैलेंजेस को जब हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि यल्दीज के साथ इसकी जो हमने बात की कि कौन कौन से चैलेंजेस रहे, तो चैलेंजेस तो शुरू से ही इसके साथ रहे। यल्दीज का चैलेंज था जिसको इसने मार दिया था 1216 में। फिर कबाचा का चैलेंज था, उसको भी इसने काबू किया। राजपूत स्टेट थी, जैसे रणथंबोर है, अजमीर है, ग्वालियर है, जलोर, बयाना, थंगीर एंड अदर्स डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस, और इन सब के ऊपर उसने जो है इनकी इंडिपेंडेंस खत्म की और दोबारा इनको अपने काबू में किया। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है चंगेज खान के बारे में, कि इन्होंने उसको भी बड़ा दानिशमंदी से अवर्ट किया था, प्रिवेंट किया था मंगोलों को भी। और जब मंगोल जिन इलाकों पे कब्जे कर रहे थे, वहां पे जहाँ पे खून की नदियां बहाई जा रही थी, वहां से जो अहले इलम लोग आ रहे थे, तो वो अहले इलम लोगों को
सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने बहुत आला ओहदे दिए, उनके मकाम मरतबे के मुताबिक उनको जगहें दी, उनसे काम लिया, उनकी इज्जत अफजाई की और उस बात को सच कर दिखाया जो उसने कमिटमेंट की थी किसी बुजुर्ग के साथ कि मैं अहले इलम लोगों की कदर करूंगा। तो इनकी ये एक इनके रोल की खास बात ये होगी कि इन्होंने हमेशा अहले इलम लोगों को इज्जत दी। यहाँ से वो स्टोरी है जो मैं बताऊंगा कि खारजमी शाह, खारजम के शाह जलालुद्दीन मंगबरनी जो है, ये कहा जाता है कि जो मंगोलों के कासिद को मार डालते हैं और ये बड़ा अग्रेसिव अग्रेशन दिखाते हैं उसको चंगेज खान को। चंगेज खान इनके पीछे पागल हो जाता है, इनके पीछे भाग खड़ा होता है और इनका ये वहां पे हार जाते हैं। चंगेज खान से हार के ये भाग के इंडिया आते हैं और इंडिया आने के बाद ये सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश से पनाह तलब करते हैं। तो कहा जाता है कि शायद चंगेज खान ने भी कोई पैगाम भेजा था शमसुद्दीन को कि आपने इसको पनाह नहीं देनी। तो बहरहाल उनकी अकलमंदी कहें या जो भी कह लें कि इन्होंने जलालुद्दीन को कोई पनाह नहीं दी और उन्हें ये कहा कि ये जगह जो है इंडिया एक बादशाह के शायान निशाना नहीं है, लिहाजा हम आपको कोई पनाह नहीं दे सकते। लेकिन बहरहाल वो वहाँ पे फिर गया आगे, उसने कबाचा के साथ जंगें लड़ी और उसको डिस्प्लेस किया। लेकिन ये इनकी अकलमंदी कहें विजडम कहें कि इल्तुतमिश जो है ये मंगोल जलालुद्दीन और कबाचा इनकी आपस के जो कन्फ्लिक्ट उस टाइम पे हुआ थे उनसे काफ़ी दूर रहे और कोई बहुत बड़ी जंग नहीं हुई, इनका कोई जो है इन्वेजन मंगोल का भी नहीं हुआ। लेकिन मंगोल का हम कह सकते हैं कि अकलमंदी से इन्होंने उनकी कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट किया था। मिलिट्री जीनियस कह सकते हैं, अग्रेसिवली ओवरकम दीज चैलेंजेस, बड़ी बहादुरी से शुजात से इन्होंने इन चैलेंजेस को ओवरकम किया। 25 साल तक इनका दौरे हुकूमत रहा और इनके दौरे हुकूमत को हम कह सकते हैं कि इट वॉज फुल ऑफ मिलिट्री एक्सपेडिशन। शायद ही कोई टाइम ऐसा हुआ होगा जब इल्तुतमिश जो है वो सुकून से रहा हो। इन्होंने सारा टाइम अपना अपने खिलाफ बगावतें कुचलने में गुजारा, अपनी स्टेट को एक्सपेंड करने में गुजारा। इन्होंने एक और नई रवायत शुरू की, ही फॉर्म्ड ए ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स, जिसको जिनको तुर्काने चहलगनी भी बोला जाता है। ये उनकी एडवाइस पे डिपेंड करता था, ये नोबल्स की बिल्कुल नहीं सुनता था। इन्होंने नोबल्स को साइड पे कर दिया और इन्होंने अपने जो वफादार गुलाम थे उन्हीं की एडवाइस लेता था। इन्होंने एक और बात ये की कि अपना क्विनिज सिस्टम, अपनी करेंसी जारी की, अपने सिक्के जारी किए, सिल्वर टंका और कॉपर जितल जो है ये इनके दो बेसिक क्यून्स थे, बेसिक कोइंस थे दिल्ली सल्तनत के, इन्होंने वो जारी किए। और ये शो करते हैं एक रूलर की इंडिपेंडेंस कि उसने अपना करेंसी सिस्टम जो है वो जारी कर दिया। फिर इन्होंने एक बनाया इक्तदारी सिस्टम, अपनी एम्पायर को मुख्तलिफ रीजन्स में तकसीम किया जिनको इक्ताज कहते थे। इन इक्ताज के ऊपर अपने ऑफिशियल तैनात किए और यहाँ से उनको लैंड दी, उनको लैंड ग्रांट्स दी और वहां से जो रेवेन्यू होता था उस रेवेन्यू से ये तीन चार किस्म के काम लेते थे। कुछ से तनख्वाहें जाती थी, कुछ से चैरिटेबल काम करते थे, कुछ से सरकारी तौर पे होता था, कुछ से फलाई काम करते थे। तो ये एक रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था जिसको इक्तदारी सिस्टम कहा जाता है। रफा आयामा के बहुत सारे काम करवाए, हौज़े शमसी बनवाया। हौज़े शमसी के बारे में एक बात मशहूर है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ख्वाब में आए थे और उन्होंने ही इनको बताया था कि आप इस जगह पे हौज़े शमसी तामीर करें, तामीर करें, क्योंकि ये वो जगह तामीर करना चाह रहे थे, उस जगह पे हौज तामीर करना चाह रहे थे। तो बहरहाल हौज़े शमसी जो है ये दिल्ली में वाक़िया है और ये भी एक तारीखी यादगार है इल्तुतमिश की। इसके अलावा इनकी जो डेथ हुई ये बीमार हो गए बहुत ज़्यादा जंगी मुहिमात में होने की वजह से और ये बिलाखिर 30 अप्रैल को या 1 मई 1236 को वफात पा गए। इनको कुतुब कम्प्लेक्स में इनको दफन किया गया। इनके बारे में ये मशहूर था कि इनके एक बेटे तो फौत हो गए थे पहले, गालिबन नासिरुद्दीन महमूद थे, और लेकिन बाकी जो बेटे थे उनके एफिशिएंट नहीं थे। फिर एक मुहिम पे, ये ग्वालियर की मुहिम पे गए थे तो वहाँ जाते हुए इन्होंने
रजिया अपनी बेटी रजिया को कुछ देर के लिए अपना नायब मुकर्रर किया और दोबारा वापस आए तो उनको ये आइडिया हुआ कि रजिया वाज बेटर मैनेजिंग दी थिंग और उसने अच्छे तरीके से इनकी अदम मौजूदगी में रूल किया था। तो इस तरह उन्होंने ये रजिया सुल्तान अपनी बेटी की सलाहियतों से बड़े इम्प्रेस हुए और इन्होंने उनको अपना जो है लीगल एयर नामजद किया कि मेरे बाद मेरी सल्तनत को यही संभालेंगी। लेकिन इसके ऊपर फिर नोबल्स ने ऑब्जेक्शन किया कि ऐसी कोई रवायत मौजूद नहीं थी। फिर बाद में कहते हैं कि इल्तुतमिश ने भी अपना माइंड चेंज कर लिया और बलाखिर इनकी वफ़ात जब हुई तो इनकी वफ़ात के बाद इनके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को ये तख्त मिला। ये कुछ कंटेम्प्रेरीज हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश के, चंगेज़ खान, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और फरीदुद्दीन गंजशकर, काजी हमीदुद्दीन नगोरी, ये बुजुर्गाने दीन और कुछ ऊपर जो पर्सनैलिटी चंगेज़ खान की है ये इनके कंटेम्प्रेरीज हैं। और ये विकिपीडिया से मैंने लिया है, कर्टसी इज टू विकिपीडिया। ये इनकी इल्तुतमिश की दिल्ली सल्तनत थी जो लाहौर से दिल्ली और ये सारे इलाके जो हैं ये पाकिस्तान से जो ऊपर वाला इलाका है और नादरन इंडिया है और काफ़ी ये एक्सपेंड हुआ हुआ दिल्ली सल्तनत का इलाका है। इनके वफात के बाद उनके जो बेटे थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश के, रुकनुद्दीन फरोज, ये तख्त पे बैठे। लेकिन ये कुछ महीने तक रूल कर पाए, फिर इनकी कोई ऐसी स्किल्स नहीं थी। दरे पर्दा इनकी जो माँ थी शाह तुर्कान, ये रूल कर रही थी, लेकिन इनका कोई रूल इम्प्रेसिव रूल था नहीं। फिर इनके खिलाफ बगावत हो गई और उस बगावत में फिर रजिया इनकी जो बेटी थी वो उन्होंने तख्त संभाला। तो रजिया सुल्तान की जो रूल है उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हमारे सोर्सेज विकिपीडिया हैं, कुछ बुक्स हैं, कुछ डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको हमने स्टडी किया है और आपके लिए ये लेक्चर तैयार किया है। इस लेक्चर में सबसे अहम बात जो हम ख्याल रखते हैं वो ये कि आपकी जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। अदरवाइज हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आपको उस इंटरेस्ट के लिए स्टडी करना है तो वो आप बुक्स भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चूँकि आपको ब्रीफ किस्म का देना होता है क्योंकि एग्ज़ाम में आपने और भी बहुत सारे टॉपिक तैयार करना होते हैं, इसलिए हम आपकी आपके लिए जो ब्रेविटी है मुख्तसर टू दी पॉइंट इसको रखते हैं। और लेक्चर्स में मैं इस बात का ख्याल रखता हूँ कि आपको मज़ीद रिसर्च ना करनी पड़े। तो अगर आप इन लेक्चर्स पे इक्तफा करते हैं तो आई होप कि आप का यू विल पास, यू कैन होप यू विल यू कैन पास इजली एंड यू कैन पास विद फ्लाइंग कलर्स। स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।